समय पर आपको आज हम एक डिश बनाना सिखा रहे हैं। ये है चूरमे के लड्डू। चूरमे के लड्डू जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में खूब खाए जाते हैं, खिलाए जाते हैं दाल बाटी के साथ। इसके साथ लगने वाली सामग्री हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये बाटी को आप इसको चूरिए। ये हमारे साथ काम करने वाली बाई हैं, ये वैसे स्पाइस जेट में एयर होस्टेस हैं और लेकिन अभी ये हमारा मदद कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर। ये बाटियों को, जो बाटियाँ होती हैं जिनको आटे की बाटियों को सेक कर ओवन में, और इस तरह से इनको तोड़ा जा रहा है और इस तरह से तोड़ के इसका बिल्कुल चूरमा बनाया जा रहा है और उस चूरमे के फिर लड्डू बनेंगे। तो ये हमारे पास में इतना सारा ये एक चूरमा बाटी का तैयार है और ये गुड़ है। इस गुड़ को हमने यहाँ खलबत्ते में पीस लिया है और ये गुड़ यहाँ पर ये चूरे के रूप में रखा हुआ है। गुड़ की जगह आप लोग शक्कर भी उपयोग कर सकते हैं, और शक्कर लेकिन पीस लेना चाहिए। ये देसी घी है, देसी घी की जगह आप देसी घी का ही उपयोग करें। काजू हैं, किशमिश हैं, थोड़ी सी बादाम है और यहाँ पर इलायची पीस कर थोड़ी सी रखी हुई है। बस इतना ही इसका सामग्री है जिसका हमको उपयोग करना है और इसके द्वारा हम चूरमे के लड्डू तैयार करेंगे। भाई थोड़ा तेज हाथ चलाओ। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे तरह से मिला लेते हैं चूरमे को। फिर इसके अंदर हम ये गुड़ जो हमने पीस कर गुड़ रखा है, जो मैंने बताया कि इसकी जगह पर आप शक्कर भी ले सकते हैं लेकिन पीस कर लेना है, ये गुड़ हम इसमें अच्छी तरह से मिला देते हैं। और फिर ये गुड़ को भी हम अच्छे से इस चूरमे के अंदर, इसको कहीं कहीं मलीदा भी कहते हैं, इस चूरमे या इस मलीदे में हम अच्छी तरह से इसको मिला देते हैं। इसको मिलाने के बाद जो हमने ये काजू, किशमिश, बादाम और ये इलायची पाउडर जो हमने पीस कर रखा है, सबसे पहले हम इसमें इलायची पाउडर छिड़क देते हैं। फिर ये बादाम जो कतरी हुई रखी है इसको हम यहाँ पर मिला देते हैं अच्छे से, और काजू और किशमिश का जो कतरन है हमारे पास में, इसको भी हम इसमें अच्छे से मिला देते हैं। अब इसको एक बार फिर हम सबको ठीक से मिला देते हैं ताकि ये अच्छे से पूरे में मिल जाए। विशेषकर इलायची पूरे में चली जानी चाहिए क्योंकि इलायची का ही फ्लेवर आएगा इसमें। हम कुछ सामान और अगर आप बढ़ाना चाहें, जैसे आपके पास में पिस्ता कटा हुआ है तो पिस्ता डाल दें, और दूसरा ड्राई फ्रूट कोई हो तो वो भी डाल सकते हैं। ये दाल बाटी के साथ खाया जाता है और इसको आप बनाकर डब्बे में रख लें तो 3-4 दिन तक आप इसको खा सकते हैं क्योंकि इसमें घी रहता है, इसलिए ख़राब नहीं होता है। अभी जैसे इसके लड्डू अभी से बनने लग गए हैं लेकिन अभी हमने इसमें घी डालना है, तो अब हम इसमें घी डालते हैं। घी आपको जैसा अपने अंदाज से डालना है, आपको अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह है तो कम डालिए, और अगर आप अभी तक स्वस्थ हैं तो ज़्यादा खा सकते हैं, पर घी कम से कम खाना चाहिए क्योंकि अब ये हमारा लड्डू का चूरमा या मलीदे के लड्डू का मसाला तैयार हो गया है। और ये जो हमारे साथ बाई काम कर रहे हैं, ये जो मैंने बताया आपको स्पाइस जेट में एयर होस्टेस हैं और ये वहाँ खड़े होकर, इनका नाम राजनंदिनी पुरोहित है, दो द्वार आगे दो द्वार पीछे करती हैं और दो द्वार पंखे के ऊपर भी हैं। और इसमें ये भी है कि जब आप वो लाइफ जैकेट लगाएं तो उसको ऐसे ऐसे करके खींचें, और अब इसके हम हाँ पहने और खींचें। अब हम इसके लड्डू बनाना शुरू करते हैं क्योंकि अब इसमें घी काफ़ी मिल गया है। तो जैसे लड्डू बांधते हैं हम, उस तरह से इन लड्डुओं को बांधना शुरू करें। ये देखिए, ये लड्डू तैयार हो रहा है। इसको आप चूरमे का लड्डू या इसको आप मलीदे का लड्डू कह सकते हैं, और ये यहाँ पर हम बना कर रख रहे हैं इसको। छोटे लड्डू, बड़े लड्डू आपको जैसे बनाने हो वैसे बना सकते हैं। बाटी बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा आटा लेना है और उसको कड़ा उसनते हैं कि पतला उसनते हैं, कड़ा उसनते हैं थोड़ा सा,
थोड़ा सा उसमें मोन लगाते हैं, घी का थोड़ा सा मोन डाल के और उसको उसन कर और उसकी बाटियां बनाकर आप गैस के तंदूर में रख दें, ओवन में रख दें, माइक्रोवेव ओवन में रख दें और उसको सेक लें अच्छी तरह से, और जब सिक जाए तो वहां से निकाल कर फिर इस तरह से उसका चूरा करें। तो बाटी बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बिहार तरफ जो लिट्टी बनती है वो बाटी जैसी ही होती है, बस अंतर ये होता है कि उसके अंदर सत्तू भरा जाता है और यहाँ जो बाटी बनती है उसके अंदर सत्तू नहीं भरा जाता है। ये एक अंतर होता है बाटी में और लिट्टी में, बाकी टेस्ट भी लगभग एक जैसा ही होता है। और जब हमारे यहाँ पर इस तरफ मालवा अंचल में और राजस्थान से जुड़े हुए अंचल में जब बाटियाँ बनाई जाती हैं तो दाल बाटी के साथ में लड्डू ज़रूर खाए जाते हैं। तो ये वही लड्डू हैं, इसके साथ दो तीन तरह के लड्डू बनते हैं, रवे के भी लड्डू बनते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों को पसंद यही लड्डू आते हैं जिनको मलीदे के लड्डू कहते हैं। ये स्पाइस जेट के हवाई जहाज की तरह ऐसे लड्डू नहीं बनाने हैं, अपने को गोल बनाने हैं। और इनको आप ये अच्छे से, हाँ ये ठीक बना है, इनको आप 4-5 दिन तक आराम से चला सकते हैं। इनको डब्बे में भर के रख दीजिए और रोज एक खाइए। खूब किराना डला हुआ है, खूब सारा इसमें घी डला हुआ है, पौष्टिक लड्डू हैं और दाल बाटी के साथ तो खाइए ही खाइए। लेकिन वैसे भी शाम को इच्छा हो रही है कि हाँ लड्डू खाने हैं तो आप लड्डू खा सकते हैं। राजस्थान में जब आप जाएंगे तो राजस्थान में दाल बाटी या दाल बाफले बनते हैं। बाफले में किया ये जाता है कि जब आप आटे के की बाटियां बना लेते हैं तो उनको बनाने के बाद में फिर उनको पानी में उबाला जाता है, छोटे चार बना लो भगवान के, तो उनको पानी में उबाला जाता है। तब तक उबाला जाता है जब तक वो तैर के ऊपर ना आ जाए। जब वो तैर के ऊपर आ जाते हैं तो फिर उनको एक कपड़े पर बिछा दिया जाता है और फिर जब उसका पूरा पानी निकल जाता है तब उसको सेका जाता है। तो वो अच्छी तरह से भाप ले लेते हैं, इसलिए उनको भापले या बाफले कहा जाता है। और थोड़े से वो हैवी होते हैं, जब आप बाटी खाएंगे तो बाटी की तुलना में थोड़े से हैवी होते हैं बाफले, क्योंकि उसके अंदर पानी पहले जाता है और फिर पानी के बाद में फिर घी चला जाता है, तो वो घी बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए जो बाफले होते हैं वो थोड़े से गरिष्ठ होते हैं, पचाने में भी थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। बाटी भी थोड़ी सी गरिष्ठ तो होती है, पचाने में मुश्किल होती है, लेकिन बाफले की तुलना में कम होती है। तो ये हमारे लड्डू तैयार हो चुके हैं और जो आपने देखा कि ये यहाँ हमने रख दिए हैं, ये हमने करीब 8 बाटियाँ ली थी और 8 और इस तरह की 2 डलियाँ ली थी गुड़ की, और इससे ये 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12 बड़े लड्डू और ये कुछ छोटे लड्डू, 4-5 छोटे लड्डू तैयार हो गए। इनको ठीक से बना देते हैं। ये हमने लगभग 20 लड्डू इससे तैयार हो गए हैं। आप इसको घर में बना सकते हैं। अशोक कुमार पांडे जी पूछ रहे थे कि घर में बनने वाली कोई बहुत आसानी से मिठाई का नाम बताएं, तो ये चूरमे ये मलीदे के लड्डू हैं, घर में बनाइए और खाइए। देखिए ये लड्डू। नमस्कार।